माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 एवं 55 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं मांग संख्या 55 पर बोलना चाहूँगा, ये एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा सबसे नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है, फिर भी सरकार का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो बीपीएल, एपीएल या अन्य सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो गरीबों तक अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। कई बार हम जब सारे जनपदीय क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं, तो निश्चित रूप से आम जनता हमको ये कहती है कि साहब, जब भी हम डीलर की दुकान पर जाते हैं तो डीलर सबसे पहले राशन देने के बजाय हमसे अंगूठा लगवा लेते हैं, उसके उपरांत भी उस गरीब व्यक्ति को जो सुविधा देनी चाहिए उस डीलर को वो नहीं मिल पाती। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप इस ओर ध्यान दें। मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में अभी जब चुनाव के आचार संहिता लगी थी विधानसभा की, उससे दो दिन पहले ही करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में, जैसे महुआ है, बालाहेड़ी है और औंडमीना, आनन फानन में वह वैकेंसी निकाली और वहाँ पर जो पूर्व विधायक थे उन्होंने अपने चहेतों को फॉर्म भराकर उनको डीलर बनाने का काम किया। और जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी हुई उस दिन वर्किंग डे भी नहीं था, रविवार था। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप गहनता से इसकी एक बार जांच कराएं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप इसकी जाँच करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा। मेरी सरकार से ये भी मांग है कि प्रदेश के सभी डीलरों का मानदेय के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि गुजरात सरकार ने भी डीलरों का मानदेय बढ़ा रखा है। मैं सभापति महोदय से कहना चाहूँगा, 2003 से 2007 के बीच में मेरे आदरणीय अंकल और मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक आदरणीय करोड़ी लाल जी भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। उस टाइम निदेशालय की गठन किया गया था और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस विभाग में काम किया। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की सरकार है और माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से वो राजस्थान में इस विभाग की एक अलग पहचान बनाने का काम करेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये राजस्थान, पूरे राजस्थान में करें, आपदा के समय खाद सामग्री का अतिरिक्त कोटा सभी जगह बढ़ाया जाए, ताकि कोई ऐसी विपत्ति आए तो निश्चित रूप से हम उन गरीब व्यक्तियों तक वो लाभ को पहुँचा सकें। प्रदेश में मैंने पहले भी 295 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को खुलवाने की मांग की थी। मैं पुनः मंत्री जी से, सभापति के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसको जल्द खोलें ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा सूची में नए नाम जोड़ने के लिए विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में ये अधिकार जिला रसद अधिकारी को भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी उपखंड अधिकारी को इसमें अधिकृत कर रखा है। माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सभापति के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सहकारिता विभाग के मामले में मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन कस्टम हायर सेंटर की स्थापना किए जाने की आपसे मांग करता हूं। खोजपुरी, ठेकड़ा, सीसवाड़ा, तालचिड़ी, बड़ागांव, खिडला, लोटवाड़ा, बेजूपाड़ा, डिगारिया, भीम, जटवाड़ा, केसरा कोट, बालाहेड़ा और खुर्रमुल्ला, इसके साथ ही नवीन गोदाम कार्यालय के निर्माण कराने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत खोजपुरी, ठेकड़ा, लोटवाड़ा, साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदामों की मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। एक दर्जन गोदाम बहुत स्थिति में ठीक नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक में अधिकृत स्टाफ स्ट्रेंथ के विरुद्ध कार्यरत कर्मियाँ बहुत कम है, जिससे बैंक का सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा। अतः केंद्रीय सहकारी बैंक में शीघ्र नवीन भर्ती की जाए। नवीन सरकार के गठन के पास सहकारिता विभाग को कस्टम हायर सेंटर खोले जाने हेतु भेजे गए सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं। सरकार के गठन के पश्चात सहकारिता विभाग को भेजे गए सभी नवीन गोदामों का निर्माण भी बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय,
जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2022-23 में 1 सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की प्राप्ति से शेष 4% ब्याज अनुदान राशि का भुगतान तथा 23-24 31 मार्च 24 तक की संपूर्ण 4% ब्याज अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। साथ ही भविष्य में सरकार द्वारा देय ब्याज राशि त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जाए, जिससे समितियों को आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न नहीं हो तथा नवीन काश्तकारों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, जिले के किसानों को कैश क्रेडिट नगद ऋण साग के अतिरिक्त खाद बीज हेतु बी कंपोनेंट की सुविधा भी दी जाए, जिससे समिति द्वारा किसानों को बाजार दर से कम दर पर खाद बीज उपलब्ध कराया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनसे पीडीएस का लाइसेंस नहीं है, अनिवार्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्यवसाय हेतु लाइसेंस जारी किया जाए। जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिसमें गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, निःशुल्क भूमि आवंटन कराया जाए। अंतिम, जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनमें चार दीवारी बनी हुई है, में अनिवार्य रूप से चार दीवारी हेतु निर्माण उपलब्ध कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस बजट में काफ़ी इन दोनों विभागों के लिए बहुत कुछ दिया है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर दीनहीन गरीब के लिए लगातार काम करने में सक्षम है, और आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार किसान हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री विकास जी चौधरी।